में अपना नाम स्थान पहले बताएं आप जी। आप तक हमारी आवाज गुरु जी जी प्रणाम। राधे भैया हेलो जी, आपका अपना नाम बताएं। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मेरा नाम विपिन सिंह है जी। मैं मुंबई में रहता हूँ। गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1982 जी। समय है मैडम 12:20 रात्रि का समय है। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला प्रसादगंज जी। गुरु जी जो भी काम मैं करता हूँ, जो भी बिजनेस शुरू करता हूँ, गुरु जी 3-4 महीने से ज्यादा नहीं चल पाता, वो सफलता से मिलता नहीं और बंद करना पड़ता है मुझे जी। तो गुरु जी मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार का बिजनेस करूँ और क्या करूँ जिससे मुझे सफलता प्राप्त हो जी। बिल्कुल, देखिए कुंडली आपकी 12 फरवरी 1982 के हिसाब से फिलहाल तो अभी कुछ वर्ष और संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे पश्चिम दिशा बॉम्बे में आप रहते हैं, बहुत बढ़िया किया आपने चुन करके। 12वें घर में आपके शनिदेव चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हैं, यही बात अभी हो रही थी। चंद्रमा शनि एक साथ रहते हैं तो कई बार स्थितियां प्रतिकूल कर ही देते हैं। आपके खुद के निर्णय आपके पक्ष में आज तक नहीं गए, थोड़ा बुजुर्गों से सलाह लेकर के कुछ फैसला लीजिएगा। वस्त्र के व्यवसाय में कदम बढ़ाइएगा, लकड़ी का व्यवसाय भी आपके लिए ही बना है। महादशानाथ बृहस्पति 2014 से लेकर 2030 तक 16 साल अब बृहस्पति की महादशा में बहुत आर्थिक समृद्धि नहीं मिलती है। कुछ टीचिंग से भी संबंधित स्टेशनरी वगैरह का भी काम आप कर सकते हैं, ये क्षेत्र आपके लिए सर्वोत्तम रहेंगे। साथ ही साथ शुक्रवार का व्रत पत्नी करें, शुक्रवार के दिन आप पैदा हुए हैं। गुरुवार के दिन केले के पौधे के जड़ में हल्दी और केसरत मिश्रित गंगा जल अर्पण करिएगा, जल्दी ही आपको रिजल्ट दिखेगा, कुछ स्थितियों में सुधार होगा। और चलिए अब आप सबको आपकी ताकत यानी कि लकी अक्षर मिलने जा रहा है। नोट कीजिए अपने अपनी राशि के अनुसार लकी अक्षर। चलिए नोट कर लीजिएगा, दिनांक 24 नवंबर 2015 अर्थात आज का आपसे लेकर 24 घंटे साथ देने वाला लकी अक्षर। मेष वालों के लिए ताक्षर और वृषभ के लिए दाक्षर आपके समक्ष, नोट कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए का है और कर्क के लिए जाक्षर। सिंह राशि के लिए खाक्षर और कन्या के लिए छ। तुला राशि के लिए रा है और वृश्चिक राशि के लिए झाक्षर, झटपट काम बनाएगा। धनु राशि के लिए काक्षर और मकर के लिए नाक्षर। कुंभ राशि के लिए टा और मीन राशि के लिए डाक्षर। 24 घंटे साथ देने वाले अक्षर आप तक पहुंच चुके हैं आपके चंद्र राशि के अनुसार, अपने पास रखें और मुस्कुराते रहें। जी हाँ, और सरिता जुड़ी हैं हमारे साथ जी। स्वागत है आपका शो में। हाँ जी सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम मैं कुशीनगर से बात कर रही हूँ। कुशीनगर से। मेरी जन्म तिथि है 19 अक्टूबर 1993 जी। समय? समय 9:05 PM 9:05 PM जी। 5 PM प्लीज। और मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी मेरी राशि क्या है और मैं अपनी लाइफ में काफी पीछे हूँ। बर्थ प्लेस भी बता दीजिए आप। पूरी नहीं हो पाती। जन्म का स्थान? जन्म स्थान रामकोला कुशीनगर यूपी है जी। जी सरिता जी, देखिए कुंडली इतनी पीछे तो नहीं लग रही जितनी पीछे आप अपने आप को पा रही हैं। आश्विन शुक्ल पंचमी ज्येष्ठा नक्षत्र मंगलवार का जन्म है, शुक्र की महादशा। चंद्र राहु आपके जन्मांक में वृश्चिक राशि में बैठे हैं एक साथ। अब ये देखिए वजह बना है, आप सोचिएगा कि 22 वर्ष की अवस्था तक में आपने किस किस तरह के निर्णय लिए हैं। दो चार चीजों का खास ख्याल रखें, एक तो शुक्र की महादशा है, शुक्र आपके जन्मांक में नीच राशि में बैठे हैं, चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रह नीच के हैं, तो शुक्रवार का एक तो व्रत तत्काल बिटिया शुरू कर दो और साथ ही साथ अपने जीवन में कभी भी पश्चिम दिशा की तरफ आगे न बढ़िएगा। विद्यालय इंस्टीट्यूट पश्चिम दिशा में न चयन करिएगा, पूर्व दिशा में आप चयन करिए, उत्तर में चयन करिए, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। बुधवार के दिन वस्त्र का दान भी शुभ होगा जी हाँ। और चलिए पहले हमने आप सबको वो उपाय बताए जिन्हें अपनाने से आपके बच्चे जो हैं चरित्रवान संस्कारवान बनेंगे, लेकिन अब आपको वो उपाय देते हैं जो कल की तारीख में आपको करना है और ऐसा करने से जो आपके बच्चे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे हमेशा। चलिए अब स्वास्थ्य की तरफ भी हम अग्रसर होते हैं। चंद्रमा स्वास्थ्य के लिए भी जाना जाता है, चंद्रमा के द्वारा ही बालारिष्ट का
जानकारी जन्मांक को प्रदर्शित करता है। चंद्र ग्रह यदि जन्मांक में पीड़ित है तो कुसंस्कार तो देगा ही, लेकिन उससे पहले बीमार बहुत करता है। चंद्रमा से ही स्वास्थ्य के आकलन में सर्जरी आदि तक की संभावनाओं को भी तलाशा जाता है। अगर बच्चे के जन्मांक में चंद्रमा वाकई दूषित है तो ऐसी स्थिति में बच्चा आपका बहुत जल्दी जल्दी और बहुत गहराई तक बीमार पड़ता रहेगा। बचना है, कार्तिक पूर्णिमा एक अच्छा अवसर है। नोट करिएगा एक खास उपाय, एक पीपल का पत्ता आपको लेना है, बार बार बच्चा नहीं पड़ेगा बीमार। एक पीपल का पत्ता लीजिए, 7 नीम के पत्ते उस पत्ते के ऊपर रख दीजिए। नीम के छोटे पत्ते होते हैं, पीपल का बड़ा पत्ता होता है। 1 चुटकी हल्दी रखना है और बच्चे के सर से 11 बार उल्टा बाल लें। यह प्रयोग हर उससे भी आप कर सकते हैं जो बीमार पड़े हैं। अगर कोई रोगी है तो रोगी के सर से बाल लीजिएगा और बाहर ले जाकर के कपूर से इस पूरे पत्ते को जला दीजिए। 7 पत्ते वो, 1 चुटकी हल्दी और साथ साथ पीपल का पत्ता। जो जल जाए, कोई दिक्कत नहीं। यह प्रयोग भी 3 दिन लगातार दोहराना है और जो राख बचे उसे आप पीपल के नीचे जाके रखाइए। लगातार 3 दिन कर लीजिए, शुरुआत आज से ही कर दीजिए। वैसे तो कल पूर्णिमा है लेकिन आज भी करते हैं तो इसका लाभ दिख ही जाएगा। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक ब्रेक का। और आज दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि हर काम में आपको सफलता मिलेगी, पितृदेव जो है वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे, वैकुंठ चतुर्दशी है और ऐसे में एक दीपक आपके जीवन को रोशन कर सकता है। कैसे, कुछ खास उपाय प्रयोग हम आपको आज दोपहर देंगे। अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। संबंधों का इंद्रजाल, ब्लैकमेलिंग का चक्रव्यूह, साजिश का अंधा कुआं, पुलिस पर भी सवाल, एक कत्ल 1000 मिस्ट्री। क्राइम पार्टनर पीटर आज सुबह 9:30 पर। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई न्यू आई वाज अ बोर्न लीडर and my first job made me realize just how much. It taught me lessons you can't learn at other jobs. Man management, time management, crisis management, you name it. I was leading a team right from my first day. And the number of years I put in had nothing to do with the great amount of experience I took home. And the best part is that my first job made my second career possible. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के दिन का आपका राशिफल कैसा है, मेष से लेकर के पहले कन्या तक की राशि के जातकों की बात हम करेंगे आगे, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं किचन पिटारे की। तो आज इस पिटारे में क्या खास है आपके किचन से जुड़ा हुआ, आइए दिखाते हैं। मौसम को लाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी
जी हाँ, तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें दूसरों पर भी आश्रित होना पड़ता है और हम चाहते हैं कि वो काम जल्दी से बन जाए, लेकिन कोई भी अड़चन अगर आपके काम बनने में आ रही है तो ऐसे में किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। हर काम को जो आप चाह रहे हैं जो बन जाए वो काम आपका बन सकता है, और जिसकी मदद आप चाहते हैं वो मदद मिल सकती है, लेकिन कैसे आइए आपको बताते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हम दूसरों से काम नहीं निकलवा पाते हैं, खासतौर पे सरकारी कार्य क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा बार बार दौड़ाया जाता है, आपको परेशान किया जाता है कुछ सुविधा शुल्क के नाम पर भी। ऐसी स्थिति में अगर आप अपना काम दूसरों से निकलवाने में नाकामयाब रह रहे हैं तो आइए अब हम आपको बताते हैं खास प्रयोग, इसको करिएगा, क्या पता ठाकुर जी की इतनी कृपा हो जाए कि एक ही दिन करने से आपको परिणाम दिखने लग जाए। उपाय क्या है, पहले सामग्री जाने आप, आपकी रसोई से जो सामग्री इसके अंदर है वो चुकंदर है, एक खास तौर पर कंदमूल होता है, ये जिसको सब्जियों में भी प्रयोग किया जाता है, सलाद में तो बहुतायत में प्रयोग होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, रक्तवर्धक शक्तिदायक कमजोरी दूर करने वाला होता है, बायोलॉजिकल रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए चुकंदर बेहद फायदेमंद माना जाता है। स्क्रीन पे देखिएगा आपको दिख रहा है। खासतौर पर ग्रहों की बात करें तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और मीठा होने के कारण थोड़ा सा अंश शुक्र का भी इसके अंदर आ ही जाता है। एक कटोरी में चुकंदर के 3 टुकड़े आपको प्राप्त करने हैं। अब आप उपाय नोट कर लीजिएगा, 3 चुटकी चीनी डालिएगा और अपने सामने रख लीजिए पूजा स्थान पर, और मन में गायत्री मंत्र का जाप करते रहें मानसिक रूप से। इसके बाद अपने ही सर से 3 बार दक्षिणावर्त सीधी दिशा में घुमा लीजिए और जाकर शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए। अवरोधों को दूर करने के लिए भगवान शंकर से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान शंकर ने ही सर्प अपने गले में धारण किया है, इनके मित्र हैं, और सर्प अर्थात राहु होता है, चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है, बस 2 ही ग्रह अवरोधित करते हैं और इन दोनों ग्रहों को हम शांत करेंगे इस खास प्रयोग से। करिएगा, आज ही इसका रिजल्ट दिख जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब जान लेते हैं राशिफल। शुरुआत पहली 6 राशियों से यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक के जातकों का राशिफल। जीवन साथी का ध्यान आज मेष वालों को रखना है, दिन आपका बढ़िया जाएगा, सफेद रंग की शुभता रहेगी और 67% का भाग्य साथ देगा। आपके सामने है मेष राशि, देख लीजिए। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि के लिए। मित्र लाभ देंगे, चोट आदि से बचें, पीला रंग आज शुभ है, 74% का भाग्य साथ दे रहा है। मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी, पति पत्नी में कुछ तनाव पैदा हो सकते हैं, हरा रंग शुभ होगा, 57% का भाग्य साथ। मनचाहा कार्य पूर्ण हो रहा है आज, कर्क वालों के लिए धन का लेन देन न करें, सुनहरा रंग शुभ होगा, 45% का भाग्य साथ। दिमागी परेशानी आज सिंह वालों को परेशान कर सकती है, मित्रों से मतभेद होगा, लाल रंग शुभ है, 55% का भाग्य भी साथ दे रहा है। और कन्या राशि, स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा, यात्रा का योग, भूरा रंग शुभ, 89% का भाग्य सारे दे। और तुला से लेकर के मीन तक का जो राशिफल है हम आपको आगे बताएंगे। वर्धा से राहुल जुड़े हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में। हेलो जी। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम भैया, श्री राधे। हाँ श्री राधे मैम, मेरा वाला डेट ऑफ बर्थ पंडित जी 17/9/78 है। जी जी 17/9/78। समय सुबह मॉर्निंग में हूँ, 6 बजे के करीब है, कंफर्म नहीं मैडम। ठीक है। अच्छा, प्लेस? हाँ मेरा वाला। क्या? हेलो, कौन सी जगह जन्म हुआ है? क्या सर, क्या बोल रहे आप? जन्म स्थान कहाँ का है, प्लेस ऑफ बर्थ? जन्म स्थान डेट ऑफ बर्थ मेरा 17/9/78 खरना। खरना खरना खरना। डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, जिला बताएं। जिला वर्धा। आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रही है। वर्धा में जी। चले, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न यह है कि मेरे को मेरा योग मन नहीं बन रहा, कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे काम सक्सेस नहीं होते जी। और मेरा पूरा काम ऐसे मतलब बंद हो जाते जी। चलिए, आवाज ये बिल्कुल आपकी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाया करें आप लोग फोन लगा करके। सिंह लग्न देखिए आपका है, केतु की महादशा चल रही, सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं, बस यही एक दोष है। लग्नस्थ सूर्य के घर में शनि का रहना और सूर्य राहु का एक साथ तृतीय भाव में आपके कन्या राशि में रहना। फिलहाल हम आपको फिर सिर्फ एक उपाय बताएंगे राहु के लिए, गाय की परिक्रमा 3 बार
रोज शाम को शुरू कर दीजिए। बस 3 बार गाय की परिक्रमा करें, मांसाहार से अपने आप को बचा के रखिएगा, दक्षिण सिरहाना करिएगा, जल्दी लाभ। जी हाँ, ओम कुमार जुड़ी हैं राजस्थान से, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी। हाँ, मैं ओम कुमार बोल रही हूँ राजस्थान बाड़मेर से। जी गुरु जी को मेरा बहुत सारा कोटि कोटि प्रणाम, कंचन जी आपको मेरा नमस्ते। नमस्कार। और मुझे ये प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रही हूँ, मैं 8 साल से। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये आपका रात को भी आता था 11 बजे, उस टाइम में देखती थी। जी और संतोष संतोषी तो मुझे बहुत बोलते जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे बताते हैं, उपाय करती हूँ। जी और 4 साल पहले भी संतोष संतोषी ने ये कोई उपाय बताया था बेटी की सगाई के बारे में, वो भी मेरा काम बना था। आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको, और आप आते हैं तब तो हम देखते हैं, और बाकी तो देखने का मन भी नहीं करते, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। ओम कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कौन किस नहीं कर रही है आज, हमारा कौन लगा है, हम बच्चे के बारे में पूछना। जी बताएं जन्म की तारीख। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1999। जी समय वर्ष समय सुबह 9:25 रात का, राजस्थान बाड़मेर। 9:25 रात का है या दिन का है? दिन का है, तो सुबह 9:25। जी क्या प्रश्न है आपका? 1999। जी क्या सवाल है आपका? 9:25 सवाल है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और जिद्दी बहुत है। जी आगे इसका भविष्य कैसा रहेगा, और साइंस बायोलॉजी ली हुई है और ये 12th कर रहा है, क्या कैसा रिजल्ट रहेगा? चलिए बता देते हैं, वृश्चिक लग्न इनका है और शुक्र की महादशा चल रही है। फिलहाल शुक्र की महादशा थोड़ी सी चंचल बना देती है, शिक्षा में मन वाकई नहीं लगता है। जब भी ये महादशा आए तो नीम की लकड़ी की कुर्सी मेज का सहारा लेकर अध्ययन करना चाहिए, साथ ही साथ पूर्व दिशा में मुख करें। जब बच्चे का मन शिक्षा में ना लगे तो सामने तांबे के लोटे में एक जल रख लीजिए और उसमें कुछ लाल मिर्च के दाने डाल दीजिए, जल्द ही बच्चे का मन शिक्षा में लगेगा, बच्चा पढ़ने में अव्वल रहेगा। जन्मांक अच्छा है, रोचक नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है, निश्चिंत रहे। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल ब्रेक के उस पार बताएंगे, वक्त है ब्रेक का, और आज दोपहर 2 बजे हम क्या खास लेकर आएंगे आपके लिए देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रंग है रंग है रंग है, 100 तरह के रंग है, कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत, मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल, एमपी में आकर हर कोई मलंग है, महाकाल की पूजा कृष्ण कोई दूजा, एमपी में आई हर रूह मलंग है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो, वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं राशिफल तुला से लेकर के मीन तक का। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए आज धार्मिक कार्यों पर कुछ खर्च की संभावना प्रबल हो रही है। हानि से बचे, नारंगी रंग शुभ होगा, 70% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृश्चिक राशि, धार्मिक यात्रा का योग है, धोखों से बचने की आवश्यकता है, लाल रंग शुभ होगा, 66% का भाग्य साथ देगा। धनुराशि, कुछ बड़ा नुकसान आज आपका हो सकता है, 7.5 ही चल रही है, रुके काम बनेंगे, हरा रंग शुभ होगा, 69% का भाग्य साथ देगा। मकर, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी, व्यापारिक लाभ के योग, सफेद रंग की शुभता, 90% का दिव्यतम भाग्य आपके सानिध्य में। कुंभ राशि, धन निवेश से लाभ होगा, स्थान परिवर्तन का योग है, पीला रंग शुभ होगा, 84% का भाग्य साथ देगा। मीन राशि, यात्रा बहुत संभल कर करें, शत्रु शांत होंगे, गुलाबी रंग की शुभता है, 72% का भाग्य साथ देगा। जी, गुड़गांव से शशि बाला जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल। जी, मैं गुड़गांव से शशि बाला बोल रही हूँ। नमस्कार पंडित जी। श्री राधे। नमस्कार कंचन जी, आज बहुत खुशी हो रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आज कॉल लगी है मेरी। प्रसन्न रहे ऐसे ही। बिल्कुल, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। जी बताएं, जन्म की तारीख। मेरे बेटे का है 1985, 6 मई। 6 मई, टाइम बताइए। 3:10 सोमवार की रात को। जी। जन्म प्लेस है सहारनपुर। सहारनपुर, ये सोमवार की रात का है। हाँ जी, ठीक है। 6 मई की रात का। जी, क्या तो सवाल है आपका? इसके बारे में ये बताइए कि इसकी शादी कब होगी और कैसी लड़की इसकी लाइफ में आएगी। बड़ा संस्कारों से पाला मैंने अपने बच्चे को, बहुत संस्कारवान बनाया इसको। जी बिल्कुल, कुंडली देखिए, ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया की है, अनुराधा नक्षत्र इनका है, बुध की महादशा चल रही है, कन्या अच्छी मिलेगी, अच्छे संस्कार की मिलेगी, चंचल मिलेगी, उम्र में कम से कम 5 से 7 वर्ष का अंतर रहने की संभावना है। उत्तर दिशा की तरफ की कन्या आएगी इनके जीवन में, बैंकिंग क्षेत्र से हो सकती है, सीए हो सकती है, सीएस की हो सकती है, इन क्षेत्रों से हो सकती है। हाइट ज्यादा ज्यादा 5 फीट 1 इंच होगा, मतलब मध्यम कद की रहेगी, ज्यादा कद नहीं दिखाई दे रहा है। योग अच्छे हैं, निश्चिंत रहिएगा, आपके संस्कार कहीं खाली नहीं जाएंगे, आगे ही बढ़ाएंगे। जी हाँ, और अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। शो में भी आज के लिए बस इतना ही, और आचार्य जी आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद सर। और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे कि कल कार्तिक पूर्णिमा है, और ऐसे में अन्न धन का जो दान है वो विशेष माना गया है, ऐसा करने से कुटुंब का कल्याण होता है। अहम जानकारी कल सुबह 8 बजे आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। संबंधों का इंद्रजाल, ब्लैकमेलिंग का चक्रव्यूह, साजिश का अंधा कुआं, पुलिस पर भी सवाल, एक कत्ल हजार मिस्ट्री। क्राइम पार्टनर पीटर आज सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना।
लाइव इंडिया की खबर का असर, AKTU लखनऊ के रजिस्ट्रार US तोमर को राज्यपाल ने किया निलंबित। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अनियमितता के बेहिसाब मामले सामने आए हैं। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वजह साफ है क्योंकि कापियों में गड़बड़ी की गई है। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी सिर्फ लाइव इंडिया पर। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया, डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। नमस्कार, लाइव 50 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव चमेरा और मैं हूं आपके साथ कृतिका यादव। चलिए शुरुआत करेंगे 25 मिनट में 50 खबरों की। असहिष्णुता पर अब आमिर खान ने भी हमला बोला है। आमिर खान ने कहा है कि उनकी पत्नी किरण राव ने उनसे पूछा कि क्या देश छोड़कर चले जाएं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर किरण इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने ये सवाल पूछा। रामनाथ गोयनका अवार्ड समारोह में आमिर खान ने यह भी कहा कि जो भी हिंसा करता है उसे सिर्फ आतंकी कहा जाए, ना कि उसके साथ उसके धर्म का ठप्पा भी लगा दिया जाए। मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन बोलता सबके लिए हूं। आमिर ने यह भी कहा कि देश में कोई अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन होता है उसको वो समर्थन देंगे। आमिर यहां तक कह गए कि देश में पिछले 6 महीनों में असहिष्णुता बढ़ी है, 8 महीने से देश में निराशा का माहौल है। अभी हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे 1984 में थे। अवार्ड को लौटाना अपनी बात रखने का एक तरीका उन्होंने माना। आमिर खान के बयान से पाकिस्तानियों को भी भारत के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद ने ट्वीट कर कहा कि ये जानकर दुख हुआ है कि शाहरुख खान की तरह आमिर खान भी सुरक्षित नहीं महसूस करते। हामिद मीर ने भारत के हालात पर चुटकी लेते हुए कहा कि सहिष्णुता के बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। कोई आमिर के बयान का समर्थन कर रहा है तो कोई उनके बयान की आलोचना कर रहा है। अनुपम खेर ने भी आमिर के बयान की आलोचना की है। अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा, प्रिय आमिर खान, क्या आपने किरण से पूछा कि वो कौन से देश जाना चाहेंगी? क्या आपने उन्हें ये बताया कि इसी देश ने आपको आमिर खान बनाया है? अनुपम खेर ने आमिर को संबोधित करते हुए एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या आपने किरण को बताया कि आप इस देश में इससे भी ज्यादा बुरे दौर में रहे हैं, लेकिन आपने कभी देश छोड़ने का नहीं सोचा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने